हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जावा फंडामेंटल की। ये सेकेंड क्लास है जावा फंडामेंटल की। फर्स्ट क्लास में मैंने जावा के बारे में थोड़ा ब्रीफ किया था कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, उसके हिस्ट्री के बारे में बात की थी, उसके फीचर्स के बारे में बात की थी और अदर लैंग्वेजेस से उसका कंपेयर किया था। ओके, सो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो जावा फंडामेंटल की फर्स्ट क्लास की वीडियो भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फर्स्ट क्लास के बाद जहाँ तक हमने वहाँ के फीचर्स देखे थे, वहाँ फर्स्ट क्लास में हमने कंपैरिजन वगैरह जब देखा था, तो अब उसके आगे थोड़ा आते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे जावा को हम इंस्टॉल कैसे करें। वहाँ पे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जावा के कुछ अलग अलग वर्जन्स बताए थे। ओके, जेडीके के वर्जन्स बताए थे, जावा डेवलपमेंट किट के वर्जन्स बताए थे। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको सिस्टम पे अगर काम करना है तो सबसे पहले आपको जावा का जेडीके इंस्टॉल करना होगा और जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करोगे वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे होना चाहिए। यानी आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, सच एज विंडो यूज़ कर रहे हो, लाइनक्स यूज़ कर रहे हो, ओके मैक ओएस यूज़ कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैं आपको जो वीडियोस बताऊंगा वो विंडोज़ के कंपेयर में बताऊंगा, यानी विंडोज़ पे जावा कैसे रन करते हैं, वो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो जब आप जेडीके को डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे, उसके लिए आप जावा की ऑफिशियल वेबसाइट से उसको यूज़ कर सकते हो, ओपन सोर्स है, डाउनलोड कर सकते हो। ओके, या किसी और वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। एक बार जब आपका जेडीके इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको पाथ सेट करना होगा। पाथ के बारे में मैंने और डिस्कशन किया था पाइथन में। ओके, क्यों? क्योंकि पाइथन में भी आपको पाथ सेट करना होता है। सो अगर पाथ सेट करने में आपको ज़रा सा भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप पाइथन की वीडियोज़ भी देख सकते हो। पाइथन की फंडामेंटल आई थिंक सेकेंड या थर्ड फंडामेंटल वीडियो में मैंने पाथ के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था। ओके, तो जावा में भी आपको क्या करना होगा? पाथ सेट करना होगा। ओके, जब तक आप पाथ नहीं सेट करोगे तब तक आप जावा के टूल्स यूज नहीं कर पाओगे, सच एज जावा सी। ओके, जावा सी यानी जावा कंपाइलर। वो पाथ सेट करने पर ही आपका क्या होगा, वो बेनिफिशियरी आपका वर्क करेगा। ओके, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे पाइथन में जैसे मैंने किया था वैसे हम जावा में भी करेंगे। जब आप जेडीके इंस्टॉल कर लोगे फिर उसके बाद आप माय कंप्यूटर प्रॉपर्टीज पे राइट क्लिक करोगे। माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाओगे और एडवांस टैब के अंदर एनवायरमेंट वेरिएबल पे वहां जाकर आप यूज करोगे। जब आप न्यू वेरिएबल पे चूज करोगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक होगा पाथ का नाम और एक होगा पाथ की वैल्यू। ओके, तो नेम में आप पाथ लिखोगे और वैल्यू में आप वो लोकेशन कॉपी करके पेस्ट करोगे जहां पर आपका जावा इंस्टॉल हुआ है। जैसे सी ड्राइव के अंदर अगर आपका प्रोग्राम फाइल्स में अगर स्टोर हुआ है तो आप वहां से कर सकते हो, या सी में अगर जावा इंस्टॉल हुआ है तो सी जावा जेडीके वर्जन उसके अंदर बिन, तो बिन पे क्लिक करके आप उसकी लोकेशन को कॉपी करके लाके वहां पर पेस्ट करोगे। ओके, पेस्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी पे गए, प्रॉपर्टीज के अंदर फिर आपका ये वेरिएबल्स वगैरह आएंगे, न्यू यूजर, वेरिएबल नेम, पाथ और वेरिएबल की वैल्यू, सी, प्रोग्राम फाइल, जावा, जेडीके, ओके, बिन, ये जेडीके के वर्जन है 1.7, 1.8, ओके, जो भी आप यूज कर रहे हो। ओके, तो ये सब कुछ वहाँ कॉपी करके पेस्ट करने के बाद आप प्रीवियसली ओके 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 करते हुए उसको प्रॉपर आप निगोशिएट करोगे। ओके, एक बार जब आप ये सारा सेट कर लोगे फिर आप डॉस कमांड में जाके जावा सी लिख के एंटर करोगे। जावा सी लिख के एंटर करने पर आपको मल्टीपल फाइल्स दिख जाएंगी जो कि ये बताएंगी कि जावा का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। ओके, जब तक जावा आप इंस्टॉल नहीं करते हो तब तक डॉस में वो कुछ भी एंट्री नहीं बताएगा। ओके, अनरिकॉग्नाइज बताएगा, यानी अवेलेबल नहीं है बताएगा। लेकिन जब आप पाथ सेट कर लोगे तो जावा सी लिखने पर जब एंटर करोगे तो आपको ढेर सारी फाइल्स आ जाएगी। ओके, तो ये जावा के पाथ को सेट करने का एक तरीका है। ओके, आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, नाउ एलिमेंट्स की बात करते हैं। भाई जावा के अंदर कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, जब उसको बनाने के बाद हम कंपाइल करते हैं, फिर उसको रन कराते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिलती हैं। ओके, तो कंपाइल टाइम में जब आप जावा फाइल क्या है, जब भी आप जावा कोई प्रोग्राम बनाओगे तो जो उसका एक्सटेंशन होता है वो डॉट जावा होता है। ओके, डॉट जावा होता है। जब आप उस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो कंपाइल करने के बाद वो उसी नाम की बाइट कोड को जनरेट करता है। ओके, बाइट कोड को जनरेट करता है जिसका एक्सटेंशन डॉट क्लास होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, ये हमारा जावा कोड है सिंपल डॉट जावा,
इसको हम जब कंपाइल करेंगे तो ये इसी नाम की एक और फाइल बनाएगा, दैट इज सिंपल डॉट क्लास। और ये जो क्लास फाइल होती है वो क्या होती है, वो बाइट कोड होती है। ओके, जिसको हम जावा जिसको हम क्लास फाइल या बाइट कोड कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटरव्यू के प्रस्पेक्टस में भी और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी। ओके, बेसिकली जावा जो है, अगर मैं एजुकेशन फील्ड की बात करूं तो आप बीसीए में जावा पढ़ते हो, बीटेक में आप जावा पढ़ोगे, एमसीए में आप जावा पढ़ोगे। ओके, स्कूल लेवल की अगर बात करूं तो आईसीएसई में क्लास 9th और 10th में जावा पढ़ाई जाती है, सीबीएसई में क्लास 11th में जावा का ऑप्शन होता है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बाइट कोड? बाइट कोड क्या होता है? बाइट कोड बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है जावा वर्चुअल मशीन के लिए, जेवीएम के लिए। जेडीके और जेवीएम के बारे में आगे भी हम लोग ब्रॉड में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसे ही आप जावा की फाइल को कंपाइल करते हो, कंपाइल करते ही एक बाइट कोड जनरेट होता है। ओके, जिसका नाम वही रहेगा जो आपकी नॉर्मल फाइल का नाम था। मान लो मैंने कोई फाइल बनाई है, प्रोग्राम बनाया है, मैंने उसको abc.java के नाम से स्टोर कर दिया, तो जब हम उसको कंपाइल करेंगे तो वो abc.class नाम की भी एक फाइल बनाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, बाइट कोड कहते हैं। ओके, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके बारे में और ज़्यादा डिस्कशन होगा। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ बाइट कोड। मैंने आपको पहले बताया कि बाइट कोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके इंटरव्यू के लिए। ओके, और एग्जाम वगैरह के प्रस्पेक्टस में भी। तो बाइट कोड जितने होते हैं उसके कुछ फीचर्स होते हैं, सच एज इसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट क्लास होता है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी बाइट कोड को आप कॉपी करके किसी और को भेज सकते हो, किसी और नेटवर्क पे भेज सकते हो, किसी और फाइल पे उसको रन करा सकते हो। ओके, और बाइट कोड ऑल प्लेटफॉर्म पे बाय डिफॉल्ट रन नहीं करता, ये जीआरई के थ्रू रन करता है। जीआरई क्या है उसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में। ओके, तो आप बाइट कोड को एक मशीन से दूसरे मशीन तक भेज भी सकते हो नेटवर्क के थ्रू। इसीलिए सिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है बाइट कोड में। सिलाइजेशन क्या है, ये जावा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो दीज वर द फीचर्स ऑफ बाइट कोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, सो रीड इट वेरी केयरफुली। ओके, नाउ अब जावा के और कंपोनेंट की बात करते हैं। सबसे पहले जावा डेवलपमेंट किट, जेडीके। ओके, जेडीके बेसिकली है क्या, जावा डेवलपमेंट किट, यानी जावा की फाइल को डेवलप करने का एक किट, एक टूल। ओके, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है जिसके थ्रू हम जावा के एप्लीकेशंस और एप्लेट्स बनाते हैं। एप्लेट्स क्या होते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ओके, ये इम्प्लीमेंटेशन है जिसके थ्रू हम जावा के प्लेटफॉर्म को रन कराते हैं, या ये कहें कि जावा के प्रोग्राम्स को रन कराते हैं। कहाँ कहाँ? एसी में, यानी स्टैंडर्ड एडिशंस में, जावा के इंटरप्राइज एडिशंस में और माइक्रो एडिशंस में, यानी इन सब चीज़ों पर भी इसका हम यूज़ करते हैं जेडीके का। यानी जब आप सबसे पहले जब फाइल इंस्टॉल करोगे, सबसे पहले जब जावा का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा जेडीके। ओके, देन आफ्टर JVM, जावा वर्चुअल मशीन, एब्स्ट्रैक्ट मशीन। ये क्या है जावा वर्चुअल मशीन? जब भी आप अपने कंप्यूटर में जावा को इंस्टॉल करोगे तो वो कंप्यूटर जावा वर्चुअल मशीन बन जाता है जिसमें जावा के प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। ओके, जेआरई के थ्रू। जेआरई में अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ओके, यानी बाइट कोड अगर आपको रन कराने हैं तो आपका कंप्यूटर क्या होना चाहिए, JVM होना चाहिए। ओके, इट कैन ऑल्सो रन दोज प्रोग्राम विच आर रिटन इन अदर लैंग्वेजेस एंड कंपाइल्ड टू जावा बाइट कोड। जो बाकी लैंग्वेजेस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, इसीलिए मैंने जावा का एक फीचर बताया था एक्सटेंसिबल। ओके, क्यों? क्योंकि बाकी चीजों को भी आप रन करा सकते हो इसमें, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड जो है वो भी यहाँ पर आपके रन करेंगे। ओके, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर क्या होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रन करता है, यानी जिस सिस्टम में आपका JVM रहेगा उसी सिस्टम पर आपका जावा के प्रोग्राम्स रन करेंगे। ओके, सो ये इसके बारे में पूरा डेटा है। अगर और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है जेआरई। देखिए, इंटरव्यू के परस्पेक्टस में आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे तो यही तीन चीजें होती हैं, या चार चीजें मैं कहूँ। एक तो बाइट कोड, दूसरा जेडीके, JVM और जेआरई। जेआरई जावा रन टाइम एनवायरमेंट, यानी जावा के प्रोग्राम को रन करने का एनवायरमेंट। ओके, कुछ जगहों पर इसको जावा RTE कहते हैं, यानी जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ओके, एक्रोनिम्स है, आप चाहे तो इसको जेआरई कहो, चाहे तो इसको जेआरटीई कहो। ओके, ये बेसिकली क्या है, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर। ये सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसका यूज हम जावा के एप्लीकेशंस को डेवलप करने में करते हैं। ओके, अगर मैं इस डायग्राम के थ्रू अगर समझाऊं तो JVM जावा वर्चुअल मशीन है, इसके अंदर क्या क्या है, सेट ऑफ लाइब्रेरीज है,
यानी रन टाइम .jar जावा का एक फाइल का एक्सटेंशन है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, और बाकी सारी फाइल्स को ये इसके थ्रू क्या करता है, रन करता है। जेआरई के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ओके, नाउ अगर हम वर्किंग देखें जेवीएम की, जावा वर्चुअल मशीन की अगर वर्किंग देखें, तो लोड द जावा कोड, जावा कोड को लोड करने का काम ये करता है जावा वर्चुअल मशीन। जावा के जो कोड आपने लिखे हैं ये उसको लोड करता है अपने कंपाइलर के अंदर, कोड को वेरीफाई करता है यानी उसमें एरर्स और एक्सेप्शंस को चेक करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन यानी इंटरप्रेटर। ओके, जावा कंटेन्स बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये मैंने जावा के फीचर्स में आपको बताया था। ओके, और रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कहां कहां, मेमोरी एरियाज में और क्लास फाइल फॉर्मेट में। ओके, नाउ ये इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जेवीएम का। क्लास लोडर, बेसिकली अगर हम बात करें क्लास लोडर की, तो क्लास लोडर है क्या, जब भी हम जावा का प्रोग्राम रन कराते हैं तो ये बाय क्लास लोडर के थ्रू क्या होता है, ये लोड होता है, यानी हमारे कंप्यूटर में ये लोड होता है। ओके, और लोड होने के बाद इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे बूटस्ट्रैप क्लास लोडर होता है, इसके अंदर जो चीजें हैं कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, मेमोरी एलोकेशन कैसे उसको प्रोवाइड करना है, ये सारी चीजें ये इसके अंदर क्या करता है, ये स्टोर करता है। ओके, और इसके अलावा क्लास एरिया, यानी क्लास के अंदर आपने जो जो लिखा हुआ है, क्या क्या कंटेंट आपने उसके अंदर दिए हुए हैं, हीप यानी कितने ऑब्जेक्ट आपने उसमें बनाए हुए हैं, स्टैक, ये फ्रेम्स, जावा के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो फ्रेम के थ्रू क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, वन बाय वन स्टोर होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का रजिस्टर मेमोरी के लिए। ओके, नेटिव मेथड स्टैक, ये इसके अंदर सारे नेटिव मेथड यूज होते हैं जो प्रोग्राम में आप यूज करोगे। ओके, एग्जीक्यूशन इंजन का काम होता है, ये एक वर्चुअल प्रोसेसर होता है जिसके अंदर इंटरप्रेटर और जेआईटी कंपाइलर स्टोर होते हैं। जेआईटी कंपाइलर यानी जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जिसका यूज जावा में होता है। ओके, यानी इन सब के थ्रू ही आपका जो सिस्टम होता है, आपका जो कोड होता है जावा का, वो रन करता है। ओके, यानी यहाँ पर आपका एक एपीआई बनता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस बनता है, जो आपके जावा के कोड को रन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, ये जावा वर्चुअल मशीन का एक छोटा सा आर्किटेक्चर है। ओके, नाउ रिलेशन की बात करें कि किस तरीके से जेडीके, जेआरई और जेवीएम कैसे रिलेटेड है। ओके, सबसे पहले आप जेडीके को इंस्टॉल करोगे, जेडीके जब इंस्टॉल करोगे तो आपको डेवलपमेंट टूल प्रोवाइड करेगा, जैसे जावा कंपाइलर, जावा हीप, जावा कंसोल, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेगा। देखिए कैसे प्रोवाइड होता है वो मैं जब प्रोग्राम बना के आपको बताऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, फिलहाल ये इन सब के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ है, छोटी सी ब्रीफिंग की गई है इसके बारे में। ओके, जेडीके के बाद आपका जेआरई, यानी जब आप डेवलपमेंट किट को यानी टूल को, सॉफ्टवेयर को जब आप इंस्टॉल करोगे तो वो आपके कंप्यूटर में एक एनवायरनमेंट बनाता है जो आपके जावा के फाइल्स को रन कराने के लिए यूजफुल होता है, जिसको हम जावा रन टाइम एनवायरनमेंट कहते हैं। यानी अब जावा के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपके कंप्यूटर में रन करने के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक एनवायरनमेंट उसको मिल गया है। ओके, क्लास लाइब्रेरी, यानी जो जो चीजें उसके अंदर है, क्या क्या कंटेंट आप उसमें देखते हो, क्या लिखा हुआ है, कैसे रन करेगा, ये सारी चीजें जेआरई के अंदर आती है। और जब जेआरई आपके सिस्टम में अवेलेबल होता है तो वो क्या, आपका सिस्टम है वो क्या बन जाता है, जावा वर्चुअल मशीन बन जाता है। ओके, फिर आपका जो सिस्टम है वो जावा वर्चुअल मशीन बन जाता है, यानी अब आपके जो कोड है वो वर्चुअली रन करेंगे आपके सिस्टम में। ओके, तो ये एक रिलेशनशिप है। एक यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि डिफरेंसेस क्या है जेडीके, जेआरई और जेवीएम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए भी और एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टस पे भी। ओके, तो आप जेडीके इंस्टॉल करोगे, जेडीके को जब आप इंस्टॉल कर लोगे, पाथ वगैरह जब आप सेट कर लोगे, तो आपका जो सिस्टम है वो जेआरई एलिजिबल हो जाएगा, यानी जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए एक एनवायरमेंट वो क्रिएट कर देगा। और जब वो एनवायरमेंट आपके सिस्टम में क्रिएट हो जाएगा तो आपका जो सिस्टम है वो जेवीएम की तरह एक्ट करेगा, यानी जावा वर्चुअल मशीन की तरह वो एक्ट करेगा। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी, और आपको समझने के लिए मैंने इन सबको थोड़ा ब्रीफ में किया हुआ है। या आप पढ़ सकते हो जेडीके के बारे में, जेवीएम के बारे में और जेआरई के बारे में। ओके, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जावा के प्रोग्राम में। ओके, कैसे यूज होता है या किस तरीके से ये रन करते हैं वो हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तब उसमें ये सब चीजें समझेंगे। ओके, नाउ जावा टेक्नोलॉजी। भाई जावा के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पाई जाती है, ये कहें कि ये जावा टेक्नोलॉजीज और फ्रेमवर्क एक ऐसे
सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज होते हैं, एपीआईज होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होते हैं, ओके, जिनका यूज हम जावा के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए करते हैं। जैसे सर्वलेट एपीआई, सर्वलेट, हम सर्वलेट बनाएंगे यानी सर्वर पर रन करने वाले कोड्स, सर्वर पर रन करने वाले प्रोग्राम, ओके, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जेडीबीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी एपीआई, जब हम जावा के प्रोग्राम के साथ डेटाबेस को जब कनेक्ट करेंगे तो कौन सा एपीआई यूज होगा, उसके लिए जेडीबीसी एपीआई रन करता है, वो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ईजेबी एपीआई, एंटरप्राइज जावा बीन्स, जावा बीन्स के भी प्रोग्राम्स हम देखेंगे आगे, ओके, और जावा कोर लाइब्रेरीज, जो जावा की जो कोर सब कोर प्रोग्राम्स हैं, हम वो सब चीजें जब रन करेंगे तो इस इन सब टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर यूज होता है, ओके। बाय डिफॉल्ट जेआरई हमारे सिस्टम में अवेलेबल होता नहीं है, इसीलिए हमें जेडीके इंस्टॉल करना पड़ता है। पहले आप जेडीके इंस्टॉल करोगे तब जेआरई हमारे कंप्यूटर में आता है, देन आफ्टर हम प्रोग्राम को रन कराने के लिए एलिजिबल होते हैं, और उसके बाद हमारा जो मशीन है वो जावा वर्चुअल मशीन बनता है, ओके। अब कुछ कंक्लूजन है जेडीके के बारे में। जेडीके के बारे में ज्यादा डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल होता है, सबसे फर्स्ट जो टूल है जावा के प्रोग्राम को रन कराने के लिए, वो हमारा क्या है, वो हमारा जेडीके ही है, ओके। तो जेडीके के कंक्लूजन अगर हम देखें, उसके अगर कुछ फीचर्स देखें, तो जेडीके एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर क्या करता है, वैरी करता है। यानी हो सकता है आपका जो वर्जन है जेडीके का, एक कंप्यूटर पे वो कुछ और हो, दूसरे कंप्यूटर पे कुछ और हो, ओके। सबसे उसके बाद वंस वी इंस्टॉल आईडीज, हम जब आईडीज इंस्टॉल करते हैं, यानी इसके बाद जेडीके के बाद आप आईडी भी इंस्टॉल कर सकते हो, एक्लिप्स, नेटबीन्स, इंटेल आईजे, ओके, ये सब आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको जो बताऊंगा वो नोटपैड के थ्रू बताऊंगा, यानी जो हमारा इनिशियल प्रोग्राम्स होंगे, जो कोर प्रोग्राम्स होंगे, उनको मैं नोटपैड के थ्रू आपको बताऊंगा, ओके। देन आफ्टर मैं कुछ चीजें उसमें एक्लिप्स और नेटबीन्स के थ्रू भी आपको समझाऊंगा, सो दैट आपको ये सारे प्लेटफॉर्म से क्या हो, क्लियर हो, ओके। और इसीलिए मैंने एक लाइन यहां पर और ऐड कर दी है कि जो आईडीज है वो ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप का टूल नहीं है, पार्ट नहीं है। आप एक्लिप्स, नेटबीन्स, ओके, या और चाहो तो, अगर आप ब्लूजे चाहो तो ब्लूजे यूज कर सकते हो, ओके, सबसे आसान। अगर स्कूल लेवल की मैं बात करूं तो स्कूल लेवल में आई थिंक ब्लूजे यूज होता है, ओके। तो ये सब आपको, ये सब ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज करो, चाहो तो यूज ना करो, ओके। यहां पर मैं आपके जो जावा के जो कोड्स, जावा के जो प्रोग्राम्स बताऊंगा वो मैं नोटपैड पे बताऊंगा, जिससे कि आपको वो समझना क्या हो थोड़ा आसान हो, ओके। सो ये जेडीके के बारे में सारे कंक्लूजन। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे, आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस किया, सच एज बाइट कोड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाइट कोड क्या होता है, क्यों क्रिएट होता है, उसका यूज क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उनके बारे में मैंने देखा, और जावा के एलिमेंट्स या ये कहूँ कि कंपोनेंट के बारे में हमने देखा, जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट के बारे में, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट और जावा वर्चुअल मशीन, इन तीनों के बारे में मैंने बहुत ब्रीफ में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, आप इनको देख सकते हो। और अगर कोई फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है या फर्स्ट टाइम अगर आप जावा पढ़ रहे हो तो आप इनसे अपने नोट्स भी क्रिएट कर सकते हो, सो दैट आप बाद में उसको आसानी से रिकॉल कर सको इन फ्यूचर, ओके। तो ये जावा के कंपोनेंट्स के बारे में ये सारा डिस्कशन था, ये इसका आर्किटेक्चर और डिफरेंस रिलेशनशिप। डिफरेंसेस मैं आपको बोल रहा हूं, यानी ये क्वेश्चन आपके लिए है कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन जेडीके, जेआरई और जेवीएम, तीनों में अंतर क्या है वो आप खोजिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ओके। देन आफ्टर हमने बात की जावा की टेक्नोलॉजीज की, हम सर्वलेट की बात करेंगे, जेडीबीसी की भी बात करेंगे, ईजेबी एपीआई की भी बात करेंगे, ओके, जो हमारे कोर के बाद स्टार्ट होंगे। यहां कोर जावा में अगर मैं बात करूं तो मैंने इस जावा को आप दो चीजों में बांट सकते हो, कोर जावा और एडवांस जावा। कोर जावा में मैंने यहां पर एप्लेट तक का, और एप्लेट तक का मैंने किया हुआ है कि हम एप्लेट तक इसमें पढ़ेंगे, ओके। एप्लेट के बाद हम फिर एडवांस जावा पे डिस्कस करेंगे, ओके। तो उसमें आपको मैं सर्वलेट बताऊंगा, जेडीबीसी बताऊंगा, ईजेबी बताऊंगा, ओके। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट टॉपिक में जावा फंडामेंटल की थर्ड क्लास में हम बात करेंगे सिंपल प्रोग्राम की, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की, ओके। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो ये वीडियो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो उससे पहले जावा फंडामेंटल फर्स्ट की वीडियो जरूर देखें, सो दैट चीजें आपको क्लियर रहें। और अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ओके। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।
ओके, थैंक यू।